सो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नितिन्स वायरल व्लॉगिंग में। सो गाइस, अब सुबह के 6 बज रहे हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ कल्याण, मतलब बहुत दूर है यहाँ से, भाईंदर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। मैं पहली बार अकेला ही जा रहा हूँ और वहाँ पर मुझे कुछ एप्लीकेशंस क्लोज करनी है, यानी कि कार्ड्स बेचने हैं। सो देखते हैं कैसा होता है मेरा आज का एक्सपीरियंस। सबसे पहले निकाल लेता हूँ टिकट में वसई का, वसई रोड। और पहले तो मैंने ये सुना था कि नहीं क्या ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, लेकिन आज तो गवर्नमेंट भी फ्रॉड कर रही है। इतना दिमाग ख़राब हुआ ना मेरा अभी, सच बताओ। अभी भी मैं टिकट निकालने गया ऑनलाइन, सो गाइस मशीन से मेरा टिकट निकला ही नहीं, ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए। बाद में बता रहे कि कुछ टाइम के बाद आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिए जाएंगे, तो फिर काटा ही क्यों, वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट फ्रॉड कर रही है क्या, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और जब मैंने टिकट काउंटर पर पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर वो बोल रहे कि सिस्टम का प्रॉब्लम है। अब उनका सिस्टम का प्रॉब्लम है या फिर नहीं, वो चेक करना चाहिए ना। ऐसे 2-3 जनों का ऐसा कटा, तो फिर हर रोज़ कितने लोगों का कटता होगा, क्या पता बाद में देगी या फिर नहीं पैसे रिफंड। एज लोकल ट्रेन आ चुकी है, सो इसी में जाऊँगा वसई, और वसई से मुझे कल्याण की ट्रेन पकड़नी है। सो चलते हैं गाइस। सो गाइस, अभी पहले टिकट निकाल लेता हूँ कल्याण का। लगा नहीं था कि सुबह सुबह इतने ज़्यादा लोग होंगे ट्रेन में। सो कल्याण के लिए गाड़ी मुझे यहाँ से मिलेगी, सो वहाँ पर टिकट निकाल लेता हूँ। इस चांद देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, एकदम सुहाना। तो गाइस कल्याण का टिकट निकाल लिया है, 15 रुपये टिकट था। और ये भाईंदर का पूरा पेट्रोल डीजल का जो क्रूड ऑयल रहता है, सो ये खींच रही है। अभी देखिए कितना ज़्यादा लोड खींच रही है, इसलिए इतना स्लो चलती है। अगर इसे तेज़ी से चलाएंगे तो जितना भी क्रूड ऑयल होता है पूरा आगे की तरफ ढकला जाएगा और बाद में एक्सीडेंट होने के चांसेस है, इसलिए स्लो में चलाया जाता है। अब यहाँ पर एक ट्रेन आने वाली है, पलवल जाने वाली, तो इसी ट्रेन में कोपर जाऊँगा और कोपर से कल्याण। किसी के अंदर जो टिकट वगैरह नहीं निकाले उनको मार रखा गया है अंदर, सो उनको पकड़ा गया है। ये जो अभी ट्रेन आने वाली है पनवेल की, सो इसी ट्रेन में जाना है। सो ये ट्रेन दिन में सिर्फ एक ही बार आती है यहाँ पर, सो अगर ये ट्रेन मेरे से मिस हो गई तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगा आज के दिन, सो जाना ज़रूरी है। सो ऐसा लग रहा है बरसात होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल बरसात का कोई मौसम नहीं है, सो इसी वजह से नहीं लग रहा कि बरसात होगी करके। सो गाइस, आगे देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा धुंध छाई हुई है। अरे देखिए क्रूड ऑयल का बड़े बड़े कंटेनर्स, इसमें लाखों लीटर क्रूड ऑयल्स भरे हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लंबी ट्रेन है। काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो सोच रहा हूँ कि क्या खाऊँ क्या नहीं। सो गाइस 45 से 1 घंटा मुझे रुकना पड़ेगा, जब मैं कोपर में पहुँचूँगा या फिर कल्याण में पहुँचूँगा तभी मैं कुछ खा पाऊँगा। सो उससे पहले कुछ नहीं खा सकता मैं। अगर मैं दादर से जाता तो दादर से बहुत ज़्यादा लंबा रूट पड़ जाता वो। सो मेरे भाई ने बोला तो अगर वसई से जाएगा, वसई का और कोपर और कल्याण, तो ये रूट काफ़ी ज़्यादा आसान है और टाइम की बचत भी होगी। आज मैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादातर कर नहीं सकता क्योंकि चार्जिंग को मुझे संभालना है, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा दूर जा रहा हूँ। इतनी दूर मैं आज तक अकेला कभी नहीं गया। और जो कल्याण की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पर बहुत कम ट्रेन्स जाती है, वहाँ पर ज़्यादातर ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन्स ही होती है, लोकल ट्रेन बहुत कम रहेगी। दिन में सिर्फ यहाँ से एक ही ट्रेन जाती है, तो सोच सकते हैं कि वहाँ पर ट्रेन्स की कितनी ज़्यादा किल्लत है। तो मुझे आते वक्त दादर से ही आना पड़ेगा। गाइस ये लोकल ट्रेन देखिए कैसे लग रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं क्या बांग्लादेश की ट्रेन हो, बहुत अजीबोगरीब ट्रेन है। पहली बार ऐसी ट्रेन देख रहा हूँ गाइस। सो ऐसी ट्रेन आज भी चल रही है ये मुझे आज पता चला है। सुबह सुबह फोटो भी क्लियर नहीं निकल रहा है, एकदम फटा हुआ निकल रहा है। थंबनेल के लिए फोटो निकाल रहा था ट्रेन के साथ, बांग्लादेशी ट्रेन के साथ, सो वो भी फटा हुआ निकला। ये गाड़ी काफी ज्यादा पुरानी लग रही है, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी लगी हुई है इस पर, पूरा खराब हो चुका है, इसको धोया नहीं गया है, तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी और गंदी ट्रेन लग रही है। और यह मालगाड़ी यहाँ से जा रही है, इसके बाद में ही वो ट्रेन आएगी, शायद एक्सप्रेस ट्रेन है, मुझे लोकल लग रही थी पहले। मेरे मोबाइल में चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो काम बहुत मुश्किल से किया मैंने। तो गाइस आज चार्जिंग फुल है, सो आज मैं ब्लॉग भी निकाल सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ खुद का। तो यही आज का मेरा एक प्लस पॉइंट है। न्यू ब्रांच है और नए ब्रांच में वहाँ पर विजिट करना
और वहाँ के लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, कांटेक्ट करना, सो ये कैसा रहता है ये मुझे भी नहीं पता। बात करते करते कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए, मुझे लगा ट्रेन यहाँ तक रुकेगी लेकिन नहीं, वहाँ तक रुकी। मेरी आंखों पर यहाँ पर कुछ रस्सी लग गई है, सो इसी वजह से थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, सो बहुत गंदा लग रहा है, सो दर्द भी कर रहा है। भागते भागते एक रस्सी लग गई थी यहाँ पर, आधे घंटे ट्रेन लेट है यहाँ पर, और मुझे वहाँ पर जाकर मुझे लोकेशन भी ढूंढना है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम रहेगा, और मुझे नाश्ता भी करना है, भूख लग रही है, सो सुबह से कुछ खा के नहीं आया मैं। आज मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, सिर्फ 5 घंटे की नींद मिली मुझे, सो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और भूख भी लग रही है और दिमाग भी ख़राब हो रहा है, सोच सकते हैं। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं कि 7:27 हो रहे हैं, सो अब तक ट्रेन नहीं आई यहाँ पर, सो बहुत ज़्यादा ट्रेन डिले है, आधे घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, शायद ट्रेन आ गई, हॉर्न मार रही है, सो बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। अब भी आ रही है ट्रेन, कितनी ज़्यादा लेट है, 7:38 हो चुका है, सो इतनी ज़्यादा लेट आ रही है। और ये ट्रेन का लुक मुझे बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब लग रहा है, वही लग रहा है बांग्लादेशी ट्रेन की तरह, बहुत अजीबोगरीब है। देखते हैं आज इस ट्रेन में एक्सपीरियंस कैसा होता है, पहली बार जा रहा हूँ इसी ट्रेन में। यहाँ पर ऊपर की तरफ कड़ी भी देखिए कैसी है, बहुत पुरानी ओल्ड टाइप है। देखिए गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, इसी वजह से आज लेट है गाड़ी। ट्रेन का आवाज भी सुनिए, बहुत अजीबोगरीब आवाज है, नॉर्मल लोकल ट्रेन की तरह आवाज नहीं है, बहुत अलग आवाज है इसका। छोटा वाला देखो ना, चढ़ जाओ चढ़ जाओ, चढ़ जाओ चढ़ जाओ, चढ़ो चढ़ो आराम से। गाइस ये यहाँ का पहाड़ में बसा हुआ पूरा जंगली इलाका है, और यहाँ पर कई सारे खदान भी हैं। यहाँ पर इस साइड में मालगाड़ी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। लोग देखिए किस तरह से भाग रहे हैं, ट्रेन से जैसे उतरे वैसे ही भागने लगे किस तरह से, सो चलो मैं भी भागता हूँ, मुझे भी ट्रेन पकड़नी है। सो अभी कहाँ से मिलेगी क्या पता, मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है, लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे मैं कुत्ते पीछे पड़े। गाइस अभी भी जिस ट्रेन में मैंने ट्रैवलिंग किया है ऐसा लग रहा था कि पुराने ज़माने में आ चुका हूँ, और वो ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट इसलिए हुई क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन का, तो इसी वजह से बाहर निकल कर चेकिंग कर रहे थे वो लोको पायलट। कल्याण की गाड़ी कहाँ पर मिलेगी मुझे पता नहीं है, सो देखते हैं किस तरह से लोग मतलब काम पर जाने के लिए इतने ज़्यादा उठावले हो रहे हैं, सो शायद यही ट्रेन है कल्याण के लिए। अरे यार यही है शायद, बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़, बाप रे बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ है। मैं जाने क्यों, मुझे यहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी सी अलग ही लग रही है। वो एक आदमी बोला कि डोंबिवली की ट्रेन छोड़ दो, उसके बाद में जो भी ट्रेन आएगी उनको पकड़ लो, तो वो कल्याण की तरफ ही जाएगी, सो ये ट्रेन तो कल्याण की तरफ नहीं जाने वाली, सो अभी जो ट्रेन आएगी उसी ट्रेन में जाऊँगा मैं। ऐसे जो स्लीपर्स रहते हैं यानी कि ये जो कंक्रीट का दिख रहा है, यही उस ट्रेन को टकरा गया था एकदम तेजी से, सो पूरा नीचे से बेंड हो गया था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, चलती ट्रेन में ही ऐसा हो गया था। वो देख ही सकते हैं कि कंक्रीट का स्लैब कितना ज़्यादा बड़ा है, सो यही टकरा गया था उस ट्रेन को। कल्याण ट्रेन आ चुकी है, सो अभी इसी में जाऊँगा। बड़ा अजीब स्टेशन है, मतलब पैसेंजर जो उतरना चाहता उतरने नहीं देते, उतरने तो मेरी सीट बुक हो जाएगी, सवाल है साला। लगता है आज मेरा जेब पूरा खाली होके रहेगा, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो भी वो रिक्शा वाला बोला कि नहीं कि यहाँ से एक रिक्शा मिलती है
तो 20 रुपये लेते हैं। उसके आगे साई चौक है तो वहाँ से भी रिक्शा पकड़नी पड़ेगी, तो दो जगह पर मुझे रिक्शा बदलनी पड़ेगी। तो देखते हैं, बहुत पैसे जाएंगे शायद आने जाने में। वहाँ से मुझे रिक्शा पकड़नी है अभी। गाइस, साई चौक में तो आ गया हूँ और ये रहा साई बाबा मंदिर। तो यहाँ पर ही कहीं पर तो है वो ब्रांच। ट्रैवलिंग में मेरा सिर्फ रिक्शा में ही इधर कल्याण में 40 रुपये खर्च हो गए। सोचो तो जाने में भी 40 रुपये जाएगा, तो कितने ज़्यादा पैसे वेस्ट हो रहे हैं मेरे। आखिरकार मिल गया वो ब्रांच जिसकी मुझे तलाश थी, बैंक ऑफ बड़ौदा। सो यहीं पर आना था मुझे, तो अभी तक ब्रांच चालू नहीं हुआ है। तो अभी मैं कुछ खा लेता हूँ, थोड़ा सा ही टाइम बचा है मेरे पास। मैंने नाश्ता तो कर लिया सुबह का, वो शाम को कितने बजे निकलूँगा यहाँ से वो मुझे पता नहीं है। तो अभी ब्रांच तो ओपन हो चुका है, सो अभी ब्रांच मैनेजर से मिलना है, तो उसके बाद में ही मुझे काम स्टार्ट करना है। सो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर कहना, और इस ब्लॉग के बारे में और उस ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर कहना, और मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।